गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। तो गाइस, एक और नया वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि वीडियो का जो है बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं। आपको तो थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक में बनने वाला है। जी हाँ, सही देखा है आपने। उसी तरह से आप भी वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। आपने बहुत सारे रील्स में देखे होंगे कि वीडियो का बैकग्राउंड कलर जो है रेड हो जाता है, येलो हो जाता है, बहुत सारे कलरों में बैकग्राउंड जो है चेंज कर रहा है। उसी तरह से आप भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। बस क्या करना है आपको, मेरा वीडियो बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। उसके लिए चलिए, आपको VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। VN एप्लीकेशन मेरा ओपन हो रहा है। VN एप्लीकेशन ओपन होते ही सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको प्लस वाले में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद आपको वो नेचर वाले जो हरी भरी वीडियो, हरी भरी जगह में जो आप वीडियो शूट किए हैं वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एरो में क्लिक कर देना है। एरो में क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह से आएगा। अब इसको क्या करना है, आप स्क्रॉल करते करते आपको लास्ट में जाना है। लास्ट में जाने के बाद आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, ये बस VN एप्लीकेशन की तरफ से जो है वाटरमार्क होता है। इसको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको फिर स्क्रॉल करते करते यहाँ आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ हमारा फिल्टर में आ जाना है। फिल्टर में आने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा, ये पाँच जो फिल्टर देख रहे हैं ये मेरा ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। आपके पास अगर नहीं है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप भी ऐड कर सकते हैं। आप जैसे ही ऐड कर लीजिएगा आपके सामने भी कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी ऐड किया हुआ ही है। ऐड करने के बाद आपके सामने जो है पांचों फिल्टर कुछ इस तरह से सामने नजर आएगा। आप जिस वाले फिल्टर में क्लिक कीजिएगा बैकग्राउंड कलर उसी तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटेंसिटी दिख रहा है, इसको एडजस्ट करके आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। इंटेंसिटी को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जितना अच्छा लगे उतना आप इंटेंसिटी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक बार रेड में वाले में क्लिक कर देते हैं, रेड वाले का भी इंटेंसिटी को जो है घटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से आप। तो देख रहे हैं कि वीडियो का बैकग्राउंड कलर कितना अमेजिंग तरीके से चेंज हो रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप कुछ ही मिनटों में ये वाला वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए, ये एक बार ग्रीन वाला ले लिया, इसका भी आपको इंटेंसिटी एडजस्ट कर लेना है कि जितना में आपको अच्छा लगे। कुछ इस तरह से बन गया है। तो मैं तो फिलहाल अभी रेड वाला बैकग्राउंड प्ले करके एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि चलिए यहाँ। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ राइट में क्लिक कर देना। राइट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर वीडियो को एक बार प्ले कर देते हैं। देखिए, वीडियो का बैकग्राउंड कलर कितना अमेजिंग हो गया है। इस तरह से आप भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। सेम इसी तरह से एक बार एक और बैकग्राउंड आपका कलर है डेमो में दिखा देता हूँ कि किस तरह से एक बार फिर और फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद आप तो आप पहले रेड वाला देख लिया, उसके बाद चलिए ये वाला दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसका भी इंटेंसिटी आप घटा पढ़ा के जितना आपको अच्छा लगे उतना कर सकते हैं। फिलहाल मैं इतना ही रख देता हूँ। उसके बाद राइट में क्लिक कर देना है आपको। राइट में क्लिक करने के बाद देख रहे हैं प्ले करके, चलिए देखिए किस तरह से वीडियो का अमेजिंग कितना मस्त लग रहा है। ये वीडियो का लुक ही चेंज हो जाता है। इस तरह से आप भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो मेरा यहाँ पर वीडियो का बैकग्राउंड कैसे कलर चेंज कर सकते हैं ये तो आपको बता ही दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहले, वो भी सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट, ये वीडियो बनकर रेडी हो गया। उसके बाद आपको यहाँ एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ राइट में क्लिक कर देना है। ये वाला वीडियो आपको जो है एक्सपोर्टिंग होके आपका फाइल में डाउनलोड हो रहा है। ये फाइनली डाउनलोड होके आप फाइनली ये डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पर वीडियो मेरा एंड हो चुका है। अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।